सुप्रभात। आज हम लोग स्वच्छता पर बात करेंगे और स्वच्छ और स्वास्थ्य है ना। हम लोग बेसिकली देखते हैं जो स्वास्थ्य का जो मीनिंग होता है, हम लोग सिंपल सा ये समझते हैं जो बीमारियों का अभाव है ना, जो कोई बीमार नहीं है तो वो स्वस्थ है। ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है ना। जो बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ है, ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है और कभी भी कोई भी डेफिनेशन नेगेटिव हो नहीं सकता। स्वास्थ्य का सिंपल सा मीनिंग होता है स्व और अस्थ। आप यदि अपने आप में स्थित है और आप अपने आप को फील कर रहे हैं जो मैं हूँ, तो आप स्वस्थ है। सिंपल सा मीनिंग है। जैसे आप बीमार होते हैं तो आप अपने आप को इतना ज़्यादा बेचैन महसूस करते हैं जो आप अपने आप को कभी फील ही नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह स्वच्छ, वास्तव में देखिए यदि संधि विच्छेद किया जाए तो स्वच्छ स्व और अच्छा। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और संधि के नियमों को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए देखेंगे तो स्व और अक्षा है ना। अक्ष या तो आपका केंद्र है या फिर ये आंख हो सकता है। यदि आप अपने केंद्र में स्थित है, आप अपने सेंटर में, आपका मन स्वस्थ है तो आप स्वस्थ है या स्वच्छ है। और जैसे आपके आंखों में एक भी कचरा चला जाए तो आप एक सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी उसे नहीं बर्दाश्त कर सकते। ठीक उसी तरह आपके चारों तरफ जो भी गंदगी है आप उसको दूर रखिए और ऐसा समझिए जो बिल्कुल आपकी आंखों की तरह है, सुंदर रहना चाहिए और वहाँ पे कचरा नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।